हाउ आर यू, कैसे हो? अच्छे हो ना? ओके, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी, रिमझिम पाठ्यपुस्तक, कक्षा 3, पाठ 3, चांद वाली अम्मा की एक्सरसाइज। ओके, तो चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ। इसमें है नंबर पहला शरारत, शैतानी, घूर कर, गुस्से से, दोहराना, दोबारा बोलना, तंग करना, परेशान करना, आसमान, बादल या आकाश भी बोल सकते हैं, रस्सा कसी, खींचतान, आप देखा ना था, बिना सोचे समझे। अब आगे देखेंगे प्रश्न उत्तर। अब पहला प्रश्न है, अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी? उत्तर है इसका, अम्मा घर का सारा कामकाज खुद ही करती थी, जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। प्रश्न 2 है, आसमान अम्मा को कैसे तंग करता था? इसका उत्तर है, अम्मा जब आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। प्रश्न 3 है, कुएं पर क्या हुआ था? उत्तर है इसका, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अब है प्रश्न 4, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई? उत्तर है इसका, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा चांद पर चढ़ गई। प्रश्न 5 है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है इसका, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। प्रश्न 6 है, आसमान ने झाड़ू क्यों छोड़ दी? उत्तर है इसका, आसमान ने सोचा कि यदि चांद की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अब पढ़ते हैं हम विपरीत अर्थ वाले शब्द, मतलब विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड्स बोलते हो ना इंग्लिश में, ऐसे विपरीत अर्थ वाले शब्द। पहला है अपना पराया, चलना रुकना, शुरू खत्म, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, छोड़ना पकड़ना, हार जीत, सुख दुख। इनको हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे पराया, अपना, रुकना, चलना, खत्म, शुरू, नीचे, ऊपर, उतरना, चढ़ना, पकड़ना, छोड़ना, जीत, हार, दुख, सुख। ओके, थैंक यू बेटा।